सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं डॉक्टर कैलाश मीणा लेकर के आया हूँ कुछ कवर आर्ट्स का रिव्यू या फिर विश्लेषण। और मैं इस वीडियो में श्री मनु जी के द्वारा बनाए गए कुछ कवर आर्ट्स को की चर्चा करूँगा। मनु वो चित्रकार हैं राज कॉमिक्स में जो डोगा को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉमिक, पहले कॉमिक से ही। ये एक डोगा डाइजेस्ट है जिसमें 3 कॉमिक्स शामिल हैं, कर्फ्यू, ये है डोगा और मैं हूँ डोगा। देखिए पहली कॉमिक से जो है मनु जी का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है और काफ़ी समय तक, एक दशक से भी ज़्यादा से मनु जी ने ही डोगा को ड्रॉ किया है, डेवलप किया है। ये शुरुआत का उनका आर्ट है। ये एक डाइजेस्ट है जो ग्लोसी में रिप्रिंट हुआ है, तो ग्लोसी में होने की वजह से कलर काफ़ी अच्छे दिखते हैं इसमें। ये ईयर 2000 का कॉमिक है। ये देखिए ईयर 2000 तक आते आते थोड़ा सा मनु जी का आर्टवर्क भी इवोल्व हो चुका था और कलरिंग तो खैर सभी कॉमिक्स में काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी। ये एक मैप्लीटो पेपर्स में है, देखिए ये ग्लोसी नहीं है पर फिर भी आप कलर्स और आर्ट देख पाएंगे। मनोजी का एक स्पेशल आर्ट है मनोजी का। और डोगा की जो 32-32 पेज की किताबें होती थी कॉमिक्स, उनमें तो बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मॉल स्टोरी होती थी, कई बार सीरीज भी होती थी और मनोजी का आर्टवर्क देखने को मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था। एक कॉमिक मैंने शामिल किया है जो एक सिंगल पार्टी कॉमिक है और इसमें मनोजी का शानदार आर्टवर्क है। जैसा कि मैं अपने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ आर्टिस्ट का सिग्नेचर आर्ट हो जाता है, देखिए जैसे ये मनोजी सिग्नेचर है, तो डोगा को हमने हमेशा मनोजी के द्वारा बनाया हुआ ही देखा है। और किसी और आर्टिस्ट का डोगा अगर किसी कॉमिक्स में आ जाता था तो थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल पहले लगता था। जैसे कि ये आप क्वालिटी देखी है, वर्दी और बंदूक, ये भी एक डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का एक 2-in-1 कॉमिक्स है, बहुत ही लाजवाब कॉमिक्स है। ये 2001 में आया था, ये 2000 के एंड में या 1 में आया था, जब नागराज का अग्रज कॉमिक्स आया था, अग्रज सीरीज जो था 1 में आया था ये। और इसके बाद ये देखिए एक एड दे रखा है तूने हमारा डोगा को, ये कॉमिक्स मुझे याद है, मैंने एक कॉमिक्स स्टोर को पैसे दे करके ये प्री बुकिंग टाइप का मंगवाया था। और इसमें मुझे सुरेश डिगवाल जी का आर्टवर्क मिला था, अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग काम होता पर उस समय इतनी समझ नहीं थी तो बहुत ही मैं डिसअपॉइंटेड हुआ था क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मनोज जी का आर्टवर्क। और मनोज जी के अलावा किसी और का बनाया डोगा उस समय समझ नहीं आता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो इंस्पेक्टर स्टील और डोगा के 2-in-1 विषांग काफ़ी आए हैं। देखिए एक और विषांग का वेलकम डोगा वेलकम स्टील, ये ईयर 2002 का ही है या फिर 1 के लास्ट में आया होगा, ये दोनों ही एक ही समय के माने आ सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर भी कवर आर्ट में डिफरेंस मिलेगा। देखिए अंदर फिर से मनोजी का आर्टवर्क है, मनोजी का डोगा अलग ही दिख जाता है। और कलरिंग देखिए आप इसमें, और क्योंकि ये ग्लोसी में रिप्रिंट आया है, अभी ये 2015 में रिप्रिंट्स आए हैं ये विद ओरिजिनल से डिटेल्स, तो इनमें कलरिंग या जो भी काम है वो अपने पीक पे है, मतलब बेस्ट तरीके से व्यू किया जा सकता है, बहुत अच्छा काम है ये और बहुत ही शानदार कॉमिक्स है। उस समय का है जब 2-in-1 में इक्वल वेटेज मिलता था इंस्पेक्टर स्टील वगैरह को भी, अभी तो ये कैरेक्टर्स पूरी तरीके से बंद ही पड़े हैं। ये इन्हीं दोनों कैरेक्टर का एक 1997 में कॉमिक्स है, इनसे 3 साल पुराना माना जा सकता है, 3-4 साल पुराना। उस समय की कलर स्कीम थोड़ी सी सिंपल हुआ करती थी, देखिए आपको दिख जाएगी। इस कॉमिक को मैंने इसे शामिल नहीं किया था क्योंकि कवर आर्ट और अंदर का जो आर्टवर्क है वो धीरज जी का है और ये जो दोनों कॉमिक्स हैं उनमें मनोजी का आर्टवर्क है। अभी मैं मनोजी को कवर कर रहा हूँ, धीरज जी का मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ तो उसमें इस कॉमिक्स को मैंने कवर किया था। और इसी के साथ ये डोगा के कुछ और कॉमिक्स भी थे जो 2-in-1 अपीयरेंस में थे या 3-in-1 अपीयरेंस में थे। ये सारे ही कॉमिक, चाहे वो ये 2 हों या फिर ये 3 हों, ये द्विनायक नाम से
सिंगल इश्यूज भी आए थे 2015 में, डाइजेस्ट के फॉर्म में भी आए थे, जैसे कि ये तीनों का एक डाइजेस्ट आया था, क्योंकि तीनों ही इंस्पेक्टर स्टील उड़वा के हैं, और इन दोनों का एक डाइजेस्ट आया था। और भी काफ़ी आए थे दिव्य नायक नाम से 2015 में, बहुत अच्छा उसमें प्रिंट किया गया था विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स। इसके बाद भी ऐसे ग्लोसी रिप्रिंट्स आए, 2018 में भी आए, लेकिन फिर उसमें मिक्सचर कर दिया गया था न्यू एंड ओल्ड राइड्स का। तो ये मनोज जी का काम है, देखिए ये डोगा हमें पसंद आता था। फिर ये 2004 के आसपास काफ़ी मिक्सिंग होनी शुरू हुई और डोगा ये कॉमिक्स और भी आर्टिस्ट बनाने लगे। और 2007 में हमें जब पहली बार राज कॉमिक्स ग्लोसी में, ये तो हालांकि ग्लोसी रिप्रिंट्स हैं, अदरवाइज हमें इस तरीके की कॉमिक्स दिखा करते थे। चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये डोगामार भी एक सिंगल कॉमिक्स है, अंदर भी आर्टवर्क मनोज जी का है देखिए, और कवर भी मनोज जी का ही है। हालांकि ये कवर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, ठीक है। डोगामार एक कॉमिक्स है, सिंगल कॉमिक्स है, काफ़ी अच्छा आर्ट है, कलर स्कीम सिंपल है लेकिन आर्ट बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और डोगा को मनोज जी ही बहुत अच्छा बना सकते हैं, और उनके अलावा किसी और का डोगा नहीं आता मुझे पसंद, बहुत अच्छा आर्ट। तो इस तरह के कॉमिक्स आया करते थे मैपलेटों में। पहली बार ईयर 2007 में राज कॉमिक्स ने ग्राफिक नॉवल जैसी फील के साथ में ग्लोसी कॉमिक्स निकालना शुरू करें, जैसे कि ये देखिए एक 5 पार्ट की सीरीज़ है, उसके 3 पार्ट ही मेरे पास अवेलेबल है अभी। डोगा हिंदू है नाम से एक सीरीज़ आई थी पूरी 5 पार्ट की, डोगा हिंदू है, अपना भाई डोगा, डोगा हाय हाय रो पड़ा डोगा, और फिर डोगा का कर्फ्यू एक कॉमिक्स आया था। इसमें मनु जी का आर्टवर्क नहीं है, हालांकि जब ग्लोसी में और इस ग्राफिक नॉवल की फील के साथ में शुरुआत हुई थी तो पहला ही कॉमिक्स आया था डोगा तेरे कारण, वो कॉमिक्स भी मैंने डिस्कस कर रखा है मेरे डोगा के द्वि नायक वीडियो के रिव्यू में, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी सीरीज़ आई थी जिसमें मनोज जी का आर्टवर्क नहीं था। इसके बाद और भी सीरीज़ आई जैसे ये स्पीड एक्स सीरीज़ है, पर इसमें भी 4 कॉमिक्स थे, मेरे पास 2 ही अवेलेबल है अभी, स्पीड एक्स एंड एक्सप्रेस वे। तो इस तरीके कुछ और भी सीरीज आए, इसका आर्टवर्क मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। देखिए मनोज जी का आर्टवर्क भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाई स्टीरियोटाइपिकली जैसे हमने मनोज जी को देखा तो मनोज जी का आर्टवर्क पसंद आया था, लेकिन आप देखिए ये 2007-8 का आसपास का काम होगा और ये ईयर 2000 का काम है, क्वालिटी देख लीजिए आर्टवर्क की, मे बी आपको भी ये ईयर 2000 वाला ही पसंद आए, या फिर ये ग्लोसी से ग्लोसी को अगर कंपेयर करना हो तो ये देखिए आप काम डिटेलिंग और दिख जाएगा आपको। तो ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, बस डोगा का नाम है। और लेकिन ये जो कॉमिक्स आई थी ग्राफिक नॉवल की फील थी, हल्का सा डार्क इनका इंकिंग था, फील थोड़ा डार्क था, ये देखिए इनमें थोड़ा लाइट फील था, देखिए जो इनका जो क्या बोल सकते हैं फ्रेम है या जो बाउंड्री है वो वाइट रखी जाती थी, अंदर ज़रूरत के हिसाब से कलर भरे जाते थे, और जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कैप्शन से वो लगभग वाइट रखे जाते थे, लाइट कलर यूज़ किया जाता था अगर कैप्शन कैरेक्टर्स नहीं बोल रहे हैं तो, अगर नरेशन ओनली, बट इनमें थोड़ा इस तरीके का फील था। देखिए पूरी तरीके से कलरफुल था बैकग्राउंड, देखिए अलग फील था। पर ये जो कॉमिक्स है अपना भाई डोगा, डोगा है रोबर्ट डोगा, ये जो सीरीज है डोगा हिंदू है, इसका आर्टवर्क फिर भी मुझे बेटर लगा, हालांकि डोगा का मनोज जी का तो नहीं है बट बेटर लगा। ये भी बहुत शानदार आर्टिस्ट का काम है इसमें, इसमें मुझे नाम दिख रहा है जगदीश जी का और ललित जी का शायद, बहुत डार्क है लेकिन साफ़ नहीं दिख रहा है, देखिए इनके ऊपर लिखा हुआ जगदीश, शायद ललित जी का काम है, अगर ललित कुमार शर्मा जी का काम है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो ऐसे आर्टिस्ट है जो किसी भी करेक्टर को बखूबी बना सकते हैं। जगदीश कुमार जी का मैं भी एक इंटरव्यू देखा था, उनकी इंकिंग काफ़ी लाजवाब है, तो ये थोड़ा फिर भी बेटर है। देखिए मनोज जी का काम नहीं है लेकिन उन्होंने डोगा की फील को रखा है इसमें जगदीश जी की इंकिंग, ये थोड़ी सी बेटर सीरीज है तीनों का। और ये तो 100% ललित जी का काम है, देखिए इसमें लिखा भी है, यहाँ थोड़ा साफ दिख रहा है ललित जगदीश, देखिए ललित जी का पेंसिलिंग होगा, जगदीश जी का इंकिंग होगा, और एक नाम और दिख रहा है रशीद, तो शायद उनका कलर होगा, तो ये थोड़ा बेटर है। इन कॉमिक्स में अंदर जो है ना पेंसिलर का नाम नहीं लिखा है, स्टूडियो इमेज लिखा हुआ है तीनों ही कॉमिक्स में, पेंसिलिंग स्टूडियो इमेज और इंकिंग जगदीश कुमार, जगदीश कुमार जी की इंकिंग अच्छी है, मतलब बेटर काम है, देखिए बेटर काम है ना, कोई नो डाउट इसमें अच्छा काम किया, तीनों ही कुमार पार्ट में सही है। और पेंसिलिंग में स्टूडियो इमेज लिखा है, स्टूडियो इमेज का मुझे मतलब समझ नहीं आया,
देखिए इसमें नीलम आर्ट्स जगदीश जी गोविंद जी, तो ये ललित जी का कवर नहीं है, पर कोई बात नहीं, अंदर का आर्ट फिर भी अच्छा है। जगदीश जी ने अच्छी थिंकिंग की है सीरीज में, नो डाउट। इसमें भी स्टूडियो इमेज लिखा है चित्रांकन, देखिए। तो ये कुछ एक और वेरिएंट आए थे और यही नहीं, काफ़ी सारे प्रयोग किए गए हैं डोगा पर। एक मैं आपको कॉमिक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो कॉमिक्स है इसमें विनोद कुमार जी ने कवर बनाया है डोगा का। विनोद कुमार जी वही हैं जो अनुपम विनोद की जो जोड़ी फेमस है, अनुपम जी की कॉमिक्स में वो इंकिंग करते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं, लगता है विनोद जी का रहा, कहीं सिग्नेचर मिल जाए तो पता कन्फर्म हो जाएगा। खैर, तो विनोद जी इंकिंग इंकर हैं, पेंसिलर भी हैं वो। इसमें जो है आदिल खान जी का काम मिलता है, आदिल खान जी का काम भी ये ग्लोसी से जस्ट पहले वाला टाइम चल रहा था, ये 2005 का या 6 का टाइम था, ये देखिए 2005 का है, तब भी मैपली तो पेपर्स थे, लेकिन इसमें कलरिंग और थोड़ा सा काम बेटर है। अगेन ये मनोज जी का नहीं है बनाया हुआ, इसमें एक अलग एक बीच में एक चित्र आएगा वो मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए थोड़ा सा एक अलग फील के साथ में है, ये देखिए पूरा बैकग्राउंड वाइट रखा हुआ और किस तरीके से दिखाया गया, तो ठीक है, मतलब कुछ अलग काफ़ी आर्टिस्ट ने काम किया है, अलग अलग ने कुछ का काम बेटर भी लगा है। जैसे इनमें देखिए धीरज वर्मा जी ने बनाया है, तो वो मनु जी का नहीं है, और भी बहुत सारा काम मिलता है। तो डोगा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसपे बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया है, चाहे वो कॉमिक का इनसाइड आर्ट हो या कवर आर्ट हो। अभी हम सिर्फ मनु जी के कवर आर्ट को करते हैं शामिल। ये देखिए तीन डाइजेस्ट है। शुरुआत के जो कॉमिक्स आते थे उनमें प्रताप मुरिक जी के कवर हमें ज़्यादा देखने को मिलते थे, चाहे हम नागराज ध्रुव के कॉमिक्स देखें या डोगा के कॉमिक्स देखें। ये देखिए नागराज का एक शुरुआत का कॉमिक्स है, प्रताप मुरिक जी का कवर आर्ट है। चित्रांकन फिर हमको अलग अलग आर्टिस्ट का मिल रहा था, तो इस तरह के कवर देखने को मिलते थे। तो मनोज जी का जो डोगा था पहली कॉमिक से ही, उनके कवर आर्ट भी प्रताप मुरिक जी के हुआ करते थे, पर ईयर 1998 में ये कवर आर्ट रिप्लेस कर दिए गए थे मनोज जी के डोगा के द्वारा। एक जो कवर आर्ट है वो मनोज जी के हैं और कलरिंग जो है धीरज वर्मा जी की है। धीरज वर्मा जी के बनाए हुए कवर आर्ट्स का रिव्यू भी मैंने बनाया है इससे पहले, इसे एक जस्ट पहले बनाया, मैंने अपलोड किया, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उनका इसमें कलर है और आर्ट जो है मनोज जी का है। मनोज जी का जो डोगा है आपको अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे बनाया हुआ, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा मनोज जी का बनाया हुआ स्पेशल डोगा। शुरुआती कॉमिक से वही बना रही, देखिए ये मनोज जी का डोगा है बनाया हुआ। रिप्लेस किया गया था, हालांकि रिप्लेसमेंट मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया था, ओरिजिनल कवर ही रखें, पर ये इतना बुरा रिप्लेसमेंट नहीं था। जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है जिन्होंने बनाया है उन्हीं के द्वारा कवर बनाए गए, बहुत अच्छे। और इनमें से डोगा टू में जो है और भी कवर हमें देखने को मिलेंगे, जो तीन कॉमिक शामिल है। देखिए ये भी मनोज जी का बहुत शानदार आर्ट है। धीरज वर्मा जी के कलर है, कलर की बात मैंने इससे पहले एक वीडियो में की है, धीरज जी के कवर आर्ट वाले। चोर सिपाही एक और कॉमिक से देखिए, अगेन जो है कवर आर्ट जो है मनोज जी का है और कलर धीरज जी के हैं, और अंदर तो सारा आर्ट मनोज जी का है ही। शुरुआत में डोगा को मनोज जी ने डेवलप किया था पूरी तरीके से। ये शुरुआत के तीन तीन कॉमिक्स के दो डाइजेस्ट हैं, डाइजेस्ट वन डाइजेस्ट टू, फिर काफ़ी डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट 10 है लास्ट मेरे पास में। और इसके बाद अभी संजय गुप्ता जी की तरफ से डोगा 11 का एक सेट आया है 8 कॉमिक्स का, तो उसका नाम भी इसी के बेसिस पर रखा गया है। अगर ये 10 है तो वो 11 इस तरीके से। तो ये कुछ कवर्स थे मनोज जी की तरफ से, और मैंने इनसाइड आर्ट भी आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करी इनमें। ये एक और डाइजेस्ट है डोगा डाइजेस्ट 8, इसमें 4 कॉमिक शामिल हैं, उनके कवर आर्ट भी मनोज जी ने ही बनाए हैं, जिसमें से पहला है ये देखिए, ये जो कॉमिक्स है फर्स्ट कॉमिक्स इस डोगा डाइजेस्ट 8 में, वो कवर मनोज जी का है, बहुत पहले के टाइम का कवर है, और तब ओरिजिनली कवर उन्होंने बनाया था, वो रिप्लेस्ड नहीं था। रिप्लेस्ड जो कवर्स थे वो ये थे, देखिए ये वो रिप्लेस्ड कवर्स थे, कर्फ्यू पहला कॉमिक्स, दूसरा ये है डोगा, और तीसरा महू डोगा। पर ये तीनों कवर हमें नहीं मिलते हैं क्योंकि ये जो डाइजेस्ट है इसमें सिर्फ तीन कॉमिक्स है, तीन कवर आर्ट नहीं है, बस कर्फ्यू का कवर आर्ट हमें मिलता है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड डाइजेस्ट था
वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, डोगा डेज 2 है, इसमें तीनों कवर शामिल थे, तो ये हमने तीनों देख लिए हैं। अदरक चाचा, गेंडा और चोर सिपाही, ये जो कवर है अदरक चाचा का है। उसके बाद ये कुछ इस डोगा डेज 8 का जो सेकंड कॉमिक्स है वो कवर आर्ट भी मनोजी का बनाया हुआ है, पुरानी कलरिंग स्कीम है इसमें। और नेक्स्ट कवर आर्ट भी आपको मनोजी का मिलेगा, ये देखिए तंदूर करके कॉमिक्स होगा, ये भी मनोजी का आर्टवर्क है। और लास्ट कॉमिक्स में आता है मगरमच्छ, उसको भी देख लेते हैं, उसका कवर आर्ट भी मनोजी का है बनाया हुआ, उसे देख लेते हैं। ये आ गया मनोजी का कवर आर्ट मगरमच्छ का। और इसके अलावा अदर कवर आर्ट भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है पास में, देखिए इसमें ऐड जो दिखा रखा है, तो अगर इस ऐड को आप देखेंगे तो आपको अदर जो मनोजी के कवर आर्ट है वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके के प्रताप मलिक जी के ओरिजिनल कवर आर्ट आते थे पहले ऐसे, तो ये तो अभी नए हैं, इनमें अच्छी कलरिंग स्कीम है। अदरवाइज शुरुआत में जो बहुत ही बेसिक कॉमिक्स आया करते थे कलरिंग स्कीम के साथ में, तब प्रताप मलिक के कवर भी काफ़ी अच्छे लगते थे, पेंट जैसा उनका काम होता था, तो स्पेशल कवर लगते थे प्रताप मलिक जी के बनाए हुए। इसी के साथ ये मनोज के द्वारा बनाए गए कवर आर्ट्स का रिव्यू मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए जो आर्टिस्ट जैसे हेमंत कुमार जी के बनाए हुए कवर आर्ट्स हैं या ये नितिन मिश्रा जी का बनाया हुआ कवर आर्ट है, इनकी चर्चा करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।